बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं आज व्लॉग दोपहर से शुरू कर रही हूँ और दोपहर को ये मुझे मेरी बहन ने निकाल के दिया था अनार, तो ये अब मैं खाती हूँ क्योंकि सुबह की मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए कल भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो ये मैं अनार खाती हूँ, ये मेरी बहन ने बना रही थी सालन, और सालन में बना रही है आज कद्दू दाल, और ये सालन भी बाहर आज चूल्हे पे बन रहा है, मतलब जो लकड़ियों वाली आग होती है ना उससे बनाया जा रहा है। मैं अब आपको निकाल के दिखाती हूँ। एक हाथ में मेरे मोबाइल था तो इसलिए मैं फिर ना इस प्रोडक्ट को निकाल के आपको दिखाती हूँ। आज मेरी तबीयत सही नहीं थी ना, इसलिए कोई एनर्जी लेवल भी थोड़ा कम ही होगा, तो इसके साथ फिर उसने मुझे कहा कि अब ना आप धनिया डाल दो इसमें, तो मैं अब इसमें धनिया डालती हूँ। हंडिया बन गई थी तो मैं डाल लेती इसमें धनिया। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर नई वीडियो बर वक्त पहुँच सके, और मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आपको किस तरह के व्लॉग और चाहिए। ये हांडिया बन के देखो कितनी अच्छी प्यारी लुक आई है। जब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल और बढ़ेगा, तो फिर मैं नए नए और व्लॉग लेके आऊँगी। ये गन्ने ये भाई ले गया था मेरे पापा के कज़न के खेतों में से, तो फिर मेरी अम्मी लोग गए थे बाज़ार, तो मेरी बहन ने कोई वीडियो क्लिप बनाए थे, मैं तो गई नहीं थी तो उसने बना के लेके आई थी। ये भागलपुर की काफी मशहूर बेकरी है शंग्रीला वालों की, इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, इसमें से मेरी मम्मा लोगों ने चीज़ें ली थी।
जैसे ज़्यादा स्नैक्स लिए थे, मतलब लेज होगी, निमको, ऐसी चीज़ें, बिस्किट। और ये मामा लोग अब आ गए घर और वो लेके आए कुछ कपड़े, मैं आपको दिखाती हूँ। ये शर्ट है, बहुत प्यारी, अच्छा कपड़ा था, बहुत ज़्यादा सर्दियों के लिहाज से ना बहुत अच्छा कपड़ा है। इसके साथ हम बहुत अच्छी शॉल भी है। ट्राउज़र इसका रेड कलर का था, ये ट्राउज़र है, ये इसकी शॉल है। ये और एक सूट है, ये भी बहुत अच्छा कलर था, ये मेरी मम्मा का था। वो एक जो पहले वाला रेड था वो मेरी बहन का था। ये आई थिंक मेरे ख्याल में वो था 2500 का था शायद, एम्ब्रॉयडरी के बगैर है ये। ये इसका बैग है जिसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए, ये फ्रंट है। आजकल तो बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। ये इसका ट्राउज़र है, ये शॉल है, काफी मोटा सूट है सर्दियों के हिसाब से। ये कुछ ड्रेस थे जो मम्मा पापा के लिए लेके आई थी और कुछ भाई के लिए। ये भाई का सूट था, और इसके अलावा ये मम्मा क्रॉकरी की चीजें लेके आई थी। ये एक बहुत प्यारी ट्रे थी ब्लैक कलर में जिसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए थे, मैं अब आपको दिखाती हूँ अनपैक करके। मुझे बहुत अच्छी लगी, आप भी कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। वॉइस ओवर करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इस वजह से। ये एक ड्राई फ्रूट वगैरह या कोई भी ऐसे स्नैक्स रखने के लिए ट्रे लेके आई थी, इसके ऊपर एक लिड भी था। बैकरी से एक क्रीम केक लेके आई थी, पेस्ट्री जिसे कहते हैं, एक चॉकलेट वाली थी एक क्रीम वाली थी। ये बाकी कुछ नाश्ते में लेने के लिए रस थे और ये कप केक थे और बाकी बिस्किट वगैरह लेके आई थी।
अलावा भी लेके आई थी, लेज और निम्को वगैरह भी लेके आई थी। घर में होने चाहिए स्नैक्स वगैरह, मतलब जब छोटी मोटी बंदे को दोपहर को भूख लग जाती है तो फिर वो खा लेता है। ये गच्चक ले गई थी, ये मुझे मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ ही ये मम्मा कुछ ना पौनिया जिसे कहते हैं बालों को लगाने के लिए ना, वो लेके आई थी और कैचर लेके आई थी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।